Hey guys, welcome back to the Video Chokra. My name is Abhijeet Bhansali and today's video is full of Ramadan and Ramzan. With that, I hope and I pray and I wish for all you guys, jitne bhi mere Musliman bhai behan hai, I wish that आपका जो ये रमजान का महीना है वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल फ्रूटफुल और खुशहाल जाए. तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन स्टे हेल्दी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान. इस पूरे महीने जो आप फास्ट करते हैं उसके अंदर आपको फास्टिंग के बेनिफिट्स कैसे बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करने हैं. ये जो फास्टिंग रूटीन है, सनराइज टू सनसेट, अर्ली मॉर्निंग टू इवनिंग, जो नो फूड नो वाटर का जो पीरियड है उसे हम एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के तरीके में देख सकते हैं. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता यह है कि आपको कुछ घंटे दिन के नहीं खाने होते एंड कुछ घंटे आपको खाने होते हैं. तो इस महीने के अंदर आप जो ये फास्टिंग करते हैं उससे आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने चाहिए, बट कुछ लोग गलतियाँ कर बैठते हैं जिसके वजह से इस महीने के दौरान उनकी जो एनर्जी लेवल्स है वो डिप हो जाती हैं. अगर कोई जिम करता है तो उनकी भी एनर्जी लेवल्स डिप हो जाती हैं, उनके जो गेन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, लॉट ऑफ पीपल बिकम लेथार्जिक, बहुत ही सुस्ती आती है, आलसीपन आता है, एंड काफ़ी सारे लोग इस महीने के दौरान वेट लूज़ करने के बजाय वेट गेन कर बैठते हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हैं बस उसी के ऊपर मैं टच करने वाला हूँ आज. अब होता ये है कि सनराइज को आपका जो है वो फास्ट शुरू होता है, बट अभी इसके अंदर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं सुबह, एंड उसके बाद वो करते क्या हैं, उठ के ही पहला अपना खाना खा लेते हैं, बहुत सारा पानी पी लेते हैं. ये करते हैं लोग बिकॉज उनको पता है कि पूरे दिन हमें काम करना है एंड हमें खाना पीना कुछ नहीं मिलने वाला. इट्स नॉट रॉन्ग बट दिस नीड्स टू चेंज अ बिट. अब इसके अंदर होता ही है कि इतनी सुबह सुबह अगर आप इतना सारा खाना खाएंगे और इतना सारा पानी पिएंगे देन इट इज़ गोइंग टू मेक यू फील वेरी लेजी, वेरी लेथार्जिक, और आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रहेगी पूरे दिन काम करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सनसेट के बाद जो आप फास्ट तोड़ते हैं, जब आप अपनी पहली मील खाते हैं आफ्टर सनसेट, आफ्टर ब्रेकिंग योर फास्ट, तभी भी खाने के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते. तीसरी जो गलती जो लोग करते हैं वो है कि आपको जो ईटिंग विंडो मिलता है राइट फ्रॉम सनसेट, शाम से अगली सुबह तक, उसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मील्स खा लेते हैं, फास्ट तोड़ते हैं वो खजूर और पानी के साथ, उसके थोड़ी देर बाद और ज़्यादा खाना खाते हैं, उसके बाद लेट नाइट और एक मील खा लेंगे या कुछ ऐसा शेक पी लेंगे या कुछ मिल्क शेक या कुछ कुछ ना कुछ बहुत ही हैवी, वापस बार बार एट सर्टेन इंटरवल्स वो बहुत ज़्यादा मील्स कंज्यूम करते हैं. और फिर अगेन जब आपका सनराइज के पहले जो आपका मील होता है, सुबह सुबह चाय हो गया, बिस्किट हो गया, पैकेट वाले फूड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, एंड ये सारी जो चीज़ें होती हैं दैट मेक्स दिस मंथ विच इज़ सपोज टू बी वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी, इट बिकम्स वेरी अनहेल्दी फॉर योर बॉडी. सबसे पहले इफ़ यू आर यंग एंड इफ़ यू कैन स्किप द फर्स्ट मील, जो सनराइज के पहले जो अर्ली मॉर्निंग आप मील खाते हैं, अगर आप यंग हैं और अगर आप वो स्किप कर सकते हैं देन स्किप इट. सिर्फ एक मील खाइए दिन का, उसे OMAD बोलते हैं, वन मील अ डे, इट्स अ टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. अगर आप वो कर सकते हैं देन वेरी वेरी गुड. तो आप जब खाना खाएंगे वो सिर्फ इफ्तार के टाइम पे होगा, बट आई नो आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग ये नहीं कर सकते. तो अगर आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज होने से पहले अगर आपको कुछ कंज्यूम करना ही है तो आप वैसी सारी चीजें कंज्यूम करिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट हो. अब मैंने एक अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था, डोंट ड्रिंक टू मच वाटर दिस समर, वो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ आपके लिए, आप वो भी जाके देख लीजिए, थोड़ा और जानकारी मिल जाएगा आपको. इसके अंदर माय मेन मोटिव इज आप पूरा दिन अभी पानी नहीं पीने वाले हैं, तो आप जितना हाइड्रेट सुबह हो सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है. सिर्फ पानी पीने से आप हाइड्रेट नहीं होने वाले, सो आपको ऐसी सारी चीज़ें चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हों, बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स हो, जिससे आपका जो है वो हाइड्रेशन बॉडी का टॉप मोस्ट रहे. और अगर आपको पूरा दिन पानी ना भी मिले तो भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो वो सारी चीज़ें कौन सी हो गई, नंबर वन ऑन माय लिस्ट इज नारियल पानी, फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फुल ऑफ एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, छास, लस्सी जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर ना हो, नींबू पानी, व्हीट ग्रास पाउडर जो आप पानी के अंदर मिला के वो ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आप कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं जैसे वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, ऐसी सारी चीज़ें जिसके अंदर, कोई भी मेलन्स हो गए, उस जिसके अंदर भी ज़्यादा पानी होता है वो सारी आप चीज़ें लें. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो लोग जिम जाते हैं या फिर जो लोग
और हेल्दी रहना चाहते हैं वो प्रोटीन शेक भी ले सकते हैं। प्रोटीन शेक आप विथ योर मल्टीविटामिन अगर आप लेना चाहें वो आप लें, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक विटामिन आपको लेने हैं तो वो आप इस टाइम पे ले लें ताकि पूरा दिन आपको जो है वो एनर्जी रहे आपके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अगर पानी पीना है तो आप उस पानी के अंदर सॉल्ट डालिए। आई एम नॉट टेलिंग दिस फॉर एनी बीपी पेशेंट्स ओवर हियर, ये सिर्फ उनके लिए हैं जो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो पानी के अंदर पिंक हिमालयन सॉल्ट जो आता है वो आप डालिए तो आपको और थोड़े इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको कुछ सॉलिड प्रॉपर खाना ही है तो आप सुबह सुबह ही अपना सैलेड खा लीजिए। सैलेड कौन सा, क्या, कैसे बनाना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक कर देता हूँ, आई बटन में भी मैं दे देता हूँ आपके लिए। वो सैलेड अगर आप सुबह सुबह खा लेते हैं, उसके साथ आप अगर सपोज़ नारियल पानी ले लेते हैं, देन यू आर सॉर्टेड। आई थिंक मेरे हिसाब से दैट इज़ गुड इनफ। आप फुल भी रहेंगे, आपके पास बहुत सारा हाइड्रेशन, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स भी आपके बॉडी के अंदर होंगे, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू यू नो टैकल द डे। जो भी मैं आपको आज बता रहा हूँ वो धीरे धीरे आप इम्प्लीमेंट करिए, एक साथ इसको इम्प्लीमेंट मत करिए। हर एक दिन आप थोड़े हेल्दी स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए। इसके बाद जब आप इफ्तार के टाइम पे अपना फास्ट तोड़ते हैं, शाम के टाइम पे जैसे ही सनसेट हो गया, आप खजूर और पानी के साथ तोड़ना चाहें आप वैसे तोड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू गाइज ड्रिंक नारियल पानी, फिर से नारियल पानी, फिर से छास, फिर से नींबू पानी, ऐसी सारी चीज़ें जो आप पियेंगे, आपको वापस से आपकी बॉडी को हाइड्रेट करना है। नंबर वन प्रायोरिटी आपकी शाम को होती है हाइड्रेट करना। अब लोग इसके अंदर गलती ये करते हैं कि हाइड्रेट करने के चक्कर के अंदर वो जाके पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेड बेवरेजेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पीते हैं जो इतनी ज़्यादा शुगर के अंदर हाई होती हैं, उससे आप हाइड्रेट नहीं होते, उससे आप और भी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो ऐसी सारी गलतियाँ मत करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी आपको खाना क्या खाना है, अभी आपका मेन टाइम है खाना खाने का, तो यहाँ पे आपको हेल्दी ऑप्शंस चुनने हैं। जो भी चीज़ फ्राइड है, जैसे आपका सीख के साथ पराठा आ गया, पराठा बहुत ज़्यादा फ्राइड होता है, वो आप मत खाइए। आप सीख खा सकते हैं अगर आपको खाना है, और उसके साथ आप चपाती ले लीजिए, बट डोंट गो फॉर फ्राइड फूड। आप फ्राइड मत खाइए, आप रोटी खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, आप ग्रेवीज खाइए जिसके अंदर आपका पेट भी भर जाए अच्छा खासा, आपको प्रोटीन भी मिले उसके अंदर, गो फॉर समथिंग लाइक दैट। और स्वीट्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाने, अगर आपका मन है स्वीट खाने का देन गो अहेड। आई अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए एक सेलिब्रेशन वाला मंथ है, मैं आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहा कि आप ये मत करो वो मत करो। आपको अगर मन है तो आधा गुलाब जामुन आप खा लीजिए, बट एट दी एंड आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको हेल्दी बनना है या नहीं बनना। अब शाम के टाइम पे आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी मत पीजिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके नींद को ख़राब करेंगी। अगर आपकी ये फास्टिंग पीरियड के अंदर, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को फास्टिंग की इतनी ज़्यादा आदत नहीं होती, सिर्फ ये एक महीना ही होता है जिसके अंदर आप फास्ट करते हैं ऐसा, तो अगर ये टाइम पे अगर ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी स्ट्रेस के अंदर होती है, तो उसी टाइम के अंदर अगर आपको इतनी अच्छी स्लीप नहीं मिल रही, नींद अच्छी नहीं मिल रही, देन और भी ज़्यादा हेल्थ आपकी लॉन्ग रन में ख़राब हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको एनर्जी ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चाय, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पीनी। आपको सुबह पीना है आप सुबह पी लीजिए बिफोर स्टार्टिंग योर फास्ट, बट शाम के टाइम पे प्लीज़ इसे मत पिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, पैकेट में आने वाली हर चीज़ आप प्लीज़ मत खाइए। इस रमजान के महीने आप प्लीज़ एक अगर रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि इस पूरे महीने जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया, अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं भी करनी तो भी ठीक है, बट एक चीज़ आप कर लीजिए, कोई भी पैकेट वाली चीज़ नहीं खाएंगे आप, या कोई भी पैकेट वाली चीज़ नहीं पियेंगे आप। सिर्फ उतना भी किया ना, आपका ये रमजान का महीना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया है। तो आपका जो यहाँ पे मेन खाना होना चाहिए वो होना चाहिए हाई इन फैट, मॉडरेट प्रोटीन एंड लो इन कार्ब्स। यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज फैट के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, जितनी ज़्यादा कैलोरी आप कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा आप देर तक फुल रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप देर तक फुल रहेंगे उतना ईजी आपके लिए ये फास्टिंग का पूरा जो रूटीन है वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप फ्राइड, जंक या फिर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाएंगे उतनी ही जल्दी आपको भूख लगने वाली है। सो ये आपका बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए यहाँ पे। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ जिससे आपका जो ये पूरा महीना है, या आप अगर इसको एज अ लिटरल लाइफ चेंज लेना चाहते हैं देन आप कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी बहुत बड़ा चेंज होता है। अगर आप इस महीने मीट ना खाएं, अगर ऐसा पॉसिबल है आपके लिए,
तो प्लीज़ इस महीने आप ट्राई करके देख लीजिए। पहला रमज़ान का महीना आपके लिए हो कि आप जो है वो बिल्कुल भी मीट ना खाएं, आप वेजिटेरियन हो जाएं, आप सी फूड खा सकते हैं अगर आपको पसंद है, आप अंडे खा सकते हैं, बट कोई भी मीट, चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें, कोई भी मीट आप मत खाइए। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे हील होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज मीट जो होता है वो बहुत ज़्यादा समय लेता है आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने के लिए। माना कि आप इतने ज़्यादा मील्स नहीं खा रहे हैं, आपके पास बहुत टाइम है वो डाइजेस्ट करने के लिए, बट दिस इज़ एन एक्स्ट्रा स्टेप। ये अगर आप हेल्दी हो रहे हैं तो ये अलग लेवल है हेल्दी होने का। तो अगर आप कर सकते हैं देन प्लीज़ गो अहेड एंड डू डैट एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस, कौन से विटामिन आपको लेने चाहिए ड्यूरिंग दिस फास्टिंग पीरियड? बहुत ज़्यादा आप डिप्लीट नहीं होने वाले विटामिन के अंदर, तो जिन लोग को ये डर रहता है कि हम इतना फास्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्लीट होने वाले हैं, ऐसा नहीं होता। जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं। अगर आपने मेरा सुबह सुबह सैलेड वो खा लिया या शाम को भी अगर वो सैलेड खा लिया आपने, देन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप कोई भी विटामिन मिनरल्स के अंदर डेफिशिएंट नहीं होने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने ही हैं तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ओमेगा 3 फिश ऑयल ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस विटामिन D3, विटामिन K2 वो ले सकते हैं। विटामिन सी अगर आपको नेचुरल फॉर्म में मिलता है, वो भी मैं लिंक कर रहा हूँ नीचे, वो भी आप ले सकते हैं। ये सारे मेन चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूट्रिशनल यीस्ट, जो बी कॉम्प्लेक्स है, वो अगर आपने अपने सैलेड के ऊपर डाल दिया या खाने के ऊपर डाल दिया तो आपको पूरा दिन तक एनर्जी रहेगी। आपकी एनर्जी लेवल्स डिप होने का मेन रीज़न विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होना ही होता है, तो अगर वो आपने बैलेंस कर लिया तो आपको बिल्कुल भी वो लो एनर्जी वाली फीलिंग नहीं आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको इस रमजान के महीने कीटो फॉलो करना है, अगर आप कीटो के बारे में जानते हैं, कीटोजेनिक डाइट के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको कैसे फॉलो करना है नहीं पता, आपको अगर करना है, अगर आपको ऐसी एक वीडियो चाहिए, देन प्लीज़ कॉमेंट करिए, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अगर मुझसे रह गया है आप नीचे कमेंट्स में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आई जस्ट होप कि आपका ये जो पूरा महीना है वो बहुत बहुत अच्छी तरह से बीते, एंड एट द एंड आपकी जो ईद हो, आप जो ईद मनाएं वो बहुत ही अच्छे से मनाएं। तो इसी के साथ साथ यही था आज का वीडियो, पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। सारे सोशल मीडिया लिंक्स मेरे नीचे होंगी, इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। विद दैट, जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।